हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक रॉयल डिश, चिकन महारानी। जी हाँ, आपने सही सुना है, इस डिश का नाम है चिकन महारानी। एकदम शाही डिश होने वाली है और इसके नाम की तरह ही इसका जायका भी एकदम लजीज होता है, बहुत सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ये शाही चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया है 1/2 kg चिकन। इसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, उसमें जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था वो बिल्कुल निकाल दिया है। इसके बाद इसे हम मैरिनेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके साथ हमने यहाँ पे कुछ मसाले लिया है, 1/4 teaspoon ब्लैक पेपर लिया है और 1/2 teaspoon हमने यहाँ पे चिकन मसाला लिया है। आप कोई भी चिकन मसाला ले सकते हैं। और 1 teaspoon हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 cup योगर्ट। ये हमने एकदम फ्रेश योगर्ट लिया है, इसे मैरिनेट कर देंगे। इसे तकरीबन आधा से एक घंटा हमने मैरिनेशन के लिए रखा है, आप ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब इसके बाद इस चिकन महारानी के लिए हमें एक मसाला प्रिपेयर करना है। तो हमने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 3 सूखी लाल मिर्च, 1 teaspoon हमने लिया है सौंफ, 1/2 teaspoon हमने लिया है ज़ीरा और 1 teaspoon खड़ी धनिया, 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3-4 हमने लौंग लिए हैं और ये हमने यहाँ पे 1 जावित्री लिया है और ये 1/4 हमने जायफल लिया है। अब इन सारे मसालों को हमने रोस्ट करना है अच्छी तरह से। ये मसाला एक बेसिक शाही मसाला है, आप इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं। जब भी आप ऐसी कोई भी डिश बनाइए तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। इस मसाले को अच्छी तरह से भूनना है हमें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वीडियो को आगे देखिए ताकि आप लोगों को मेरी और भी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो यहाँ पे ये जो मसाला है हमने इसे अच्छी तरह से रोस्ट किया है, उसके बाद ठंडा करके इसे हम एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इसका एक हमने दरदरा सा इसको हमने पीस लेना है। हमने ज़्यादा फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है, एकदम दरदरा सा बनाना है। आप देख सकते हैं इस तरह का पाउडर हमने बना लेना, ये हम आपको दिखाते हैं प्लेट में निकाल के कि ये एकदम फाइन पाउडर हमने नहीं बनाया है, एकदम दरदरा सा पाउडर है। ये हमने मसाला 1/2 kg के लिए यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो इसकी क्वान्टिटी बढ़ा दीजिए। इसके बाद ये शाही है तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स के नाम पे हमने यहाँ पे बादाम लिए हैं, ये 6-7 बादाम भिगा के हमने रख दिए थे। उसके बाद हमने इसको भी एक पेस्ट में बनाना है। तो यहाँ पे हमने लिया है 5-6 हरी मिर्च ली हैं, ये जो भीगे बादाम थे इनका छिलका उतार लिया है, आप चाहें तो काजू भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने 1/4 के करीब मिल्क ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को हमने पीस लेना है और इन सारी चीज़ों को आप पहले से प्रिपेयर करके रख लीजिए तो चिकन बनाने में आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, इंस्टेंट आपका बनकर तैयार हो जाएगा। बस कुछ चीज़ें आपको पहले से तैयार रखनी है। तो चिकन भी हमारा मैरिनेट हो चुका है, टाइम हो गया है, तो चलिए इसे अब हम बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, उसमें हमने डाला है ऑयल और बटर। ऑयल और बटर का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही मज़े का आता है। इसके बाद हमने यहाँ पे 1 cup चॉप्ड अनियन ली है और इनको डालने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट तक के इसी तरह से ऑयल में कुक करते रहेंगे। और आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और भी मेरी वीडियोज़ चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप लोग वो देखिए जाके। प्याज को हमने इतनी देर भुना है कि थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट हो गया है। उसके बाद जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन रखा था वो इसमें ऐड कर देना है। इसे भी हमने अच्छी तरह से भूनना है क्योंकि इसमें जो अदरक लहसुन पड़ा, मसाले भी कुछ पड़े हुए, तो उसका भी कच्चापन निकालना है। तो यहाँ पे हमने इसे रेगुलर चलाते रहना है क्योंकि इसमें दही भी पड़ा हुआ है। और आप लोग बताइएगा कॉमेंट करके कि आपका फेवरेट चिकन कौन सा है। अगर हमने अभी तक नहीं ट्राई किया है तो उसकी रेसिपी भी बहुत जल्द मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसे हमने बंद करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक कुक किया है, जिससे चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब गोश्त जो है वो हड्डी से अलहदा होने लगता है, तो यानी कि ये इसकी निशानी होती है कि चिकन इस टाइम पे गल गया है। इसके बाद हमने जो मसाला तैयार किया था वो ऐड कर देंगे और उसके साथ जो हमने ये पेस्ट बनाया था हरी मिर्च और बादाम वगैरह का वो ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और मसाले ढककर डालने के बाद इसे भी हमने 4 से 5 मिनट तक बढ़िया से कुक करना है ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन जाएँ इसमें। और इसका नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये शाही डिश है तो इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत जल्द बनकर तैयार हो गया था। अगर आप फर्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे तो यकीन करिए बहुत जल्दी बनता है और ये बहुत मज़े का होता है, इसका फ्लेवर एकदम मज़े का आता है। यहाँ पर हमने 4 से 5 मिनट इसे बंद करके कुक किया था, उसके बाद आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो भी चेंज हो गया है। एंड देन यहाँ पर हमने ऐड करनी है क्रीम, ये हमने फ्रेश क्रीम ली है, अच्छे तरह से बीट कर लिया है। ये हमने 2/3 cup फ्रेश क्रीम ली है, आप थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने लिया है 1 teaspoon कसूरी मेथी, इसे हाथों से ऐसे रब करके ऐड करनी है। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसे मिक्स करना है। क्रीम डालने के बाद भी इसे 1 से 2 मिनट तक के हम कुक करेंगे।
उसके बाद आप इसे बंद करके भी कुक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 मिनट के लिए इसे बंद करके कुक किया ताकि क्रीम जो है वो अच्छी तरह से इसमें अब्जॉर्व हो जाए। ये सारी चीज़ डालने के बाद चिकन हमारा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो इसे हम सर्व करने के लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ऐड किया है हरी धनिया और कटे हुए हरे मिर्च। ये सारी चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं इसमें। चलिए तो फिर चिकन हमारा एकदम तैयार हो चुका है, तो इसे हम सर्व करते हैं। तो ये हमारा शाही चिकन महारानी बनकर तैयार हो गया है। इसे हमने सर्व किया है तंदूरी नान के साथ, और इस नान की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिए। और ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ था, एकदम जूसी और सॉफ्ट चिकन बनकर तैयार हुआ था। तो ये वीडियो देखिए और कैसी लगी इसे कॉमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके जी, बाय।